हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल वन इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं को दिल घबराने जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, साथ ही कई महिलाओं को बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, जिस कारण से गर्भवती महिलाएं बहुत ज्यादा तनाव में रहती हैं। तो क्या इसके पीछे वजह होती है, क्यों ऐसा गर्भवती महिलाओं को होता है और इसके क्या क्या उपाय होते हैं, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए एंड तक, वीडियो को बिना स्किप किए। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल वन इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कई गर्भवती महिलाओं को मन में बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, उनका दिल घबराने लगता है। उसके पीछे मेन कारण यही होता है कि गर्भावस्था के दौरान जो हार्मोनल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और ये गर्भवती महिला के मस्तिष्क के रसायनों को प्रभावित करते हैं। इसी कारण से गर्भवती महिला को घबराहट और चिंता होती है। तो गर्भावस्था के दौरान महिला में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं और ये सारे चेंजेस जो होते हैं हार्मोन्स की वजह से होते हैं, जिस वजह से कई बार महिलाएं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, बहुत ज्यादा कभी कभी खुश हो जाती है। और ठीक इसके विपरीत कभी कभी गर्भवती महिलाएं बहुत ज्यादा असहज फील करती हैं, बहुत ज्यादा डरावने सपने देखती हैं, बहुत ज्यादा डरती हैं, कई बार बेफजूल की चिंता लेकर बैठ जाती हैं। तो ये सारी परेशानियां हार्मोन्स चेंज की वजह से होती हैं। तो आप इससे बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि आपको ये अचानक से क्या हो रहा है। इसी तरीके से दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान बेचैनी भी बहुत सी महिलाओं को हो जाती है और बेचैनी होने का कारण भी जो होता है चिंता ही होती है। इस दौरान जैसे कि मैंने आपको बताया हार्मोन्स चेंज होते हैं, इस दौरान आपको चिड़चिड़ापन और उत्तेजना बहुत ज्यादा हो सकती है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री हो सकती हैं इस दौरान। और साथ ही जो है आप अपने होने वाले बच्चे के बारे में बहुत ज्यादा सोचती हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज्यादा सोचती हैं, या फिर आपको कभी कभी भूलने की बीमारी हो जाती है, हर चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा सोचती हैं, बहुत ज्यादा चिंता लेती हैं इस दौरान, या फिर आप एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाती है। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा चिंता दे देती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब चीजें जो होती है गर्भावस्था के दौरान बहुत ज्यादा नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाएं बहुत ज्यादा इस दौरान इन बातों को लेकर चिंता में आ जाती है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर आपके साथ पास्ट में मिसकैरेज जैसी कोई घटना हुई है तो आप अपनी वर्तमान प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत ज्यादा चिंता में रह सकती हैं। और इन्हीं सभी कारणों के चलते, चिंता के चलते आप जो है बहुत ज्यादा बेचैन होने लगती हैं और ये आपकी बेचैनी का कारण बन जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, आपका मन बहुत ज्यादा घबराता है, दिल आपका बहुत ज्यादा घबराता है, तो आपको इस दौरान सबसे मुख्य काम जो करना है वो आपको शारीरिक गतिविधियां करनी है। इससे क्या होता है कि जो आपके शरीर में एंडोर्फिन नामक तत्व होता है वो रिलीज होने लग जाता है और ये आपके मस्तिष्क में प्राकृतिक दर्द निवारक यानी कि जो पेन किलर होता है उसकी तरह काम करता है। तो आपको इस दौरान मूवमेंट करते रहना है, आपको टहलना है, दौड़ना, भागना, योग आदि आपको इस दौरान जरूर करने चाहिए। दोस्तों, इसके लिए दूसरा उपाय ये है कि आप इस दौरान अच्छी नींद लीजिए। अच्छी नींद लेना गर्भावस्था के दौरान बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नींद कम होने से भी आपको कई बार बेचैनी हो जाती है और मन में घबराहट पैदा हो जाती है। तो वैसे तो आपको अपने शरीर को काफी एक्टिव रखना है, लेकिन जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप थोड़ा सा ऐसा फील कर रही हूं कि मुझे अभी आराम करना चाहिए, तो उस दौरान आप आराम जरूर करिए। तीसरी चीज दोस्तों, आप क्या करिए कि अपने आहार में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को शामिल करिए, इससे भी आपके स्ट्रेस और बेचैनी को कम करने में काफी मदद मिलती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप लोगों से बातचीत करिए। इस दौरान आप दूसरी गर्भवती महिलाओं से बातचीत ज्यादा रखें तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान कई बार सिम्टम्स जैसे होते हैं, तो अगर आपको कुछ फील हो रहा है तो मे बी कि शायद दूसरे को भी वैसा ही फील हो रहा हो। तो आप जब अपनी बातें दूसरे से शेयर करती हैं तो इससे आपको जो है आराम मिलता है, आपकी चिंताएं कम होती है, आपकी बेचैनी कम हो जाती है। इसके अलावा आप उन कामों को करिए जो काम करने में आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा रिलैक्स आप करते हैं। जैसे कि अगर आपको डायरी लिखने का शौक है तो आप डायरी लिखिए, म्यूजिक सुनने का शौक है तो म्यूजिक सुनिए। बेवजह की बेफजूल की बातों को ध्यान में ना रखिए, बहुत ज्यादा किसी के बारे में ना सोचिए, नेगेटिविटी अपने अंदर मत आने दीजिए, हर नेगेटिव बात में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करिए। इससे जो है आपकी चिंताएं कम होंगी और जब आपकी चिंता कम होगी तो इससे आपको बेचैनी भी कम ही महसूस होगी। दोस्तों, बेचैनी और घबराहट दूर करने के लिए आप पानी का सेवन जरूर करिए। पानी बहुत जरूरी होता है गर्भावस्था के दौरान, तो आप दिन भर में कम से कम 7 से लेकर 8 ग्लास पानी जरूर पीजिए, इससे भी आपको बहुत ज्यादा राहत महसूस होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें कि आपको गर्भावस्था के दौरान बेचैनी अगर हो या फिर घबराहट दिल में हो तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल वन इन्फॉर्मेशन को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।